बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी मैथमेटिक्स, मैथ का पोर्शन। दो सब्जेक्ट में समझता हूँ जो डिसीसिव किरदार अदा करते हैं वन पेपर एमसीक्यू में, एफपीएससी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स ही हैं। इंग्लिश और मैथमेटिक्स हैं जो आपके मेरिट में इन होने और मेरिट कुक में से आउट होने में अहम किरदार अदा करते हैं। बाकी एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, ये सब तो जो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो सारे पढ़ के जाते ही हैं। जो एक कैटेगरी है कि बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते, वैसे ही चले जाते हैं लक बेस के, शायद लक बेस पे या तुक्के मार के पास हो जाएगा, वो तो एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है ना, वो तो सक्सेस क्राइटेरिया में आती नहीं है। अब जो सक्सेस क्राइटेरिया में लोग आते हैं, जो 80+ मार्क्स लेते हैं, ठीक है, जो हायर पोस्टों के लिए, और अगर लोअर पोस्ट है उसके लिए फिर मेरिट कम हो सकता है, तो उसके अंदर ये मैथमेटिक्स एक अहम किरदार अदा करती है। अब खासकर अगर हम वैसे तो कोई भी एग्जाम जो होता है वन पेपर एमसीक्यू उसके अंदर मैथमेटिक्स ने आना ही होता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें एफआईए की, जो आपके 18 अगस्त से नेक्स्ट मंथ से जो पेपर स्टार्ट होने, ऑलमोस्ट एक जो है वो महीना रह गया, तो उसके अंदर जो आप देखिएगा कि डिवीजन है मार्क्स की वो किस तरह से है। इंग्लिश 20 मार्क्स की है, मैथमेटिक्स 16 मार्क्स की है, और एवरीडे साइंस 16 मार्क्स की है, एफआईए एक्ट जो है वो 16 मार्क्स का है, करंट अफेयर 16 मार्क्स का है, इस्लामियत पाकिस्तान और जीके ये 16 मार्क्स का है। अब वो उसमें जनरल नॉलेज ज्यादा पूछ ले, इस्लामिया ज्यादा पूछ ले या पाकिस्तान अफेयर ज्यादा पूछ ले, ये उसकी अपनी मर्जी है एग्जामिनर की। ऊपर जो करंट अफेयर्स लिखा है वो अकेला करंट अफेयर 16 मार्क्स के आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से डिवीजन होती है आपके पेपर की। इसमें से मतलब कि हम मैथ के पोर्शन को देखने की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम देख लें मैथमेटिक्स में कि वो किन पोर्शंस को टच करता है जो सिलेबस को मजीद ऑफिशियल सिलेबस है जो वो हमें बताता है कि बेसिक अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स में से किन पोर्शन में से उसने हमसे पेपर पूछना है, तो वो चार पोर्शन हमें मेंशन करता है। एक वो कहता है अलजबरा, एक वो कहता है रेशोस, एक वो कहता है परसेंटेजेस, और एक वो कहता है अरिथमेटिक मीन। मीन्स अगर एक न्यूट्रल और एक आइडियल अप्रोच जो होगी एग्जामिनर की, उसको चाहिए कि पांच नंबर, ये अगर 16 मार्क्स का है तो चार चार नंबर कर लें, और अगर किसी एग्जाम में 20 मार्क्स का आ रहा है तो पांच पांच नंबर कर लें। जैसे एएसएफ है उसमें ये 20 मार्क्स का आया, या आईबी के पेपर जो होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें 20 नंबर की आती है मैथ, तो उसमें ये पांच पांच नंबर। अब आइडियल अप्रोच तो यही होनी चाहिए, और सम टाइम ये अपनाता भी है एग्जामिनर के, पांच नंबर का अलजबरा में से दे देता है, पांच नंबर का वो रेशो दे देता है, पांच की वो परसेंटेज दे देता है, और पांच का वो अरिथमेटिक मीन दे देता है। बट इट इज नॉट कंपल्सरी, एग्जामिनर इज नॉट बाउंड, वो बाउंड नहीं है कि वो इसी स्कीम को फॉलो करे, वो चाहे तो सारे क्वेश्चन रेशोज के दे दे, या परसेंटेजेस के ज्यादा क्वेश्चन दे दे, रेशोज के कम दे दे, जिस तरह से एग्जामिनर चाहे वो इस स्कीम को घुमा सकता है, ठीक है। इसलिए आपको ये सारे टॉपिक्स के ऊपर एक जो है ग्रिप हासिल होनी चाहिए। अब ये देखिए, जो हमने देखे कि कौन कौन से पोर्शन वो देता है पेपर के अंदर, तो मैथ पोर्शंस बाय एफपीएससी, रेशियोस का देता है सबसे पहले, इनको हम इनके ऊपर डिटेल एक एक मेरा लेक्चर होगा, रेशो के ऊपर लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, और खासकर प्रोपोर्शन निकालना, रेशोज जो होती हैं दो चीजों को कंपेयर करना, और खासकर दो रेशोज को कंपेयर करना वो कहलाता है प्रोपोर्शन, जिसमें वो पूछता है कि इतने मजदूर इतने टाइम में ये काम कर रहे हैं, तो अगर तादाद कम हो जाए तो कितने दिन में ये काम होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो रेशोज वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। दूसरा पोर्शन जो उसने हमें बताया वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से मुराद होता है एवरेज लेना, अरिथमेटिक मीन एवरेज निकालना ही कहलाता है। तो एवरेज वाले लेक्चर में हम एवरेज का बेसिक कंसेप्ट भी समझेंगे कि एवरेज निकालते कैसे हैं, फिर बेसिक कंसेप्ट के साथ डायमेंशंस होती हैं
डिफरेंट क्वेश्चंस की डिमेंशंस होती हैं। एक तो एवरेज आपने समझ लिया निकालना कैसे है, फिर वो एवरेज को डिफरेंट पहलुओं से पूछता कैसे है, मेन चीज वो होती है। सिमिलरली वो आपसे परसेंटेजेस के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, फला चीज किसका कितने परसेंटेज है, लॉस और प्रॉफिट का वो पूछ लेता है, एक चीज की अंदर इतना इजाफा हो गया कितना प्रॉफिट हुआ, किसी में पैसे कम हो गए तो कितना लॉस हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज के अंदर आ जाते हैं। और लास्ट जो पोर्शन पूछता है वो आपका होता है अलजबरा का पोर्शन। अलजबरा के पोर्शन के अंदर जब हम ये अलख्वाज़मी ने बेसिकली इसको इजाद किया था, हम कोई सिंबल्स यूज कर लेते हैं नंबर्स की जगह, एक दो तीन चार की जगह हम ए बी सी या एक्स वाई जेड इस तरह के लफ्ज यूज कर लेते हैं आसानी के लिए। अगर हमें तीन चीजों का पता हो, चौथी चीज का आंसर ना निकल रहा हो, तो हम सपोज कर लेते हैं कि फलां चीज एक्स के बराबर है और उसको हम सॉल्व करके अलजबरिक एक्सप्रेशन के जरिए अपना जवाब निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जी ये आपसे चार पोर्शन जो हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं, जब एडवर्टाइजमेंट आता है उसकी एफपीएससी ऑफिशियल सिलेबस भी देता है जिस भी सीट का हो, देता जरा टाइम के बाद है, थोड़ा आपको पता है स्लो है एफपीएससी का काम, लेकिन वो देता है। आप मतलब वेबसाइट पे भी देखेंगे तो ये सिलेबस मौजूद होगा। मैथ का भी आगे वो बताता है, बाकियों का नहीं बताता कि आगे कौन कौन से पोर्शन है, लेकिन मैथ के वो चार पोर्शन बताता है कि ये चार पोर्शन है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एग्जामिनर बाउंड नहीं है कि वो इन्हीं चार में से किस परसेंटेज में से दे सब में से, या वो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन डाले या ना डाले। तो पास्ट पेपर्स का जब हम एनालिसिस करते हैं, पास्ट पेपर से हम गो थ्रू होते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो कुछ इन जो है ना पोर्शंस में से भी क्वेश्चन दे देता है। नंबर सेट्स का वो पूछ लेता है, ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर सीरीज का वो पूछ लेता है, वो तीन चार डिजिट दिए होंगे, अगला डिजिट खाली होगा, वो आपने सीरीज को कंप्लीट करना होगा, ठीक है, वो आपकी एक इंटेलिजेंट जनरल एबिलिटी होती है कि किस तरह से वो सीरीज को फिल कर रहा है। एज प्रॉब्लम दे देता है कि वो उससे दो साल बड़ा है, पांच साल बाद फलां उसकी एज हो जाएगी, इस तरह के हम क्वेश्चन देखते रहते हैं। डिस्टेंस और डायरेक्शन के वो क्वेश्चन दे सकता है, डिस्टेंस के कि एक ट्रेन है उसने इतना फासला इतने घंटे में तय किया। वैसे ये सारे भी जो मिल मिला के क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी तरह रिलेट उन्हीं चार पोर्शन से करते हैं जो पीछे दिए गए हैं, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई हम पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे जो सिलेबस से हटके हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनको भी कवर करने की। अब जो इससे पहले हमारा सब्जेक्ट था इंग्लिश का, उसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट रही थी पढ़ने की, उसमें मैं आपको इंग्लिश की फाइल्स भेजता रहा हूँ दरमियान में ना, मतलब सिनोनिम्स प्रेपोजिशन और ये, ताकि आप उनको कवर करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने उनको प्रॉपरली नहीं पढ़ा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है यूँ फाइल्स को पढ़ना। लेकिन इंग्लिश का पोर्शन अगर आपको क्लियर करना है तो आपको उसके अंदर थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है, फाइल्स के थ्रू उसको कवर करना ही पड़ता है। मैथमेटिक्स को थोड़ा सा हम किस तरह से कवर करेंगे, मैथमेटिक्स में डेली का मैं आपको एक पास्ट पेपर ही दूंगा, जैसा बाकी सब्जेक्ट्स के साथ देता रहा हूं, जैसे एवरीडे साइंस वगैरह में देता हूं मैं। इसमें भी आपको एक सॉल्व पास्ट पेपर मिलेगा, और उसमें खास तौर पे जो मैथ के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चंस, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारे लेक्चर चलते जाएंगे ना, लेक्चर्स तो हमारे चलते जाएंगे, मतलब हम अपने जो है 6 या 7 जितने भी लेक्चर होते हैं मैथ के, वो तो होंगे ही होंगे। साथ के साथ आपको जो मैं पास्ट पेपर दूंगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हो सकता है कि डिफरेंट डिमेंशन में हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एवरेज का सिर्फ आज टॉपिक पढ़ाया, लेकिन उसके अंदर तो डिफरेंट होंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपसे जितने हो जाएंगे ठीक है, जो नहीं होते ग्रुप में पूछें, कोई ना कोई स्टूडेंट आपको वो सॉल्व करके दे देगा, पहले पुराने स्टूडेंट भी हैं मेरे, उनको भी पता है वो सॉल्व करके दे देते होते हैं। और अगर कोई नहीं सॉल्व करके देगा तो मैं आपको उसका जो है सॉल्व करके मैं उसका हल आपको भेज दूंगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि जो 20 क्वेश्चन उस पास पेपर में दिए हुए हैं, एक दिन बाद में सारों का जो है सॉल्व पोर्शन ही आपको दे दूं, ठीक है, लेकिन शुरू में नहीं दूंगा वो, फिर इस तरह आप डायरेक्टली उसी के ऊपर रिलाई कर देंगे। कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें, मैथ और इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप चीजों को हाथ से नहीं गुजारते, लिखते नहीं है ना,
इन चीजों के ऊपर कमांड नहीं हासिल होती। ऐसा नहीं होता कि आप बस लेक्चर सुन लें और आपके कि आपको चीजें समझ आ गई। क्वेश्चन क्योंकि डिफरेंट डिमेंशन के होते हैं, उनको आपको अपने हाथ से गुजारना पड़ता है, फिर जाके आपको इन चीजों में परफेक्शन आती है। और फिर मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बोरिंग लगता है बहुत ज्यादा। कुछ होते हैं उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जो स्टैट के स्टूडेंट होते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हैं, उनको बहुत मजे का लगता है। अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, कमीशन की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो जिसको अच्छा लगता है उसके लिए वेल एंड गुड है, और जिसको नहीं अच्छा लगता उसको ये अपनाना पड़ेगा। खासकर ये पोर्शन जो 4-5 हैं जिनमें से एग्जामिनर पेपर पूछता है, इनके ऊपर कमांड हासिल करनी होगी। और मुश्किल नहीं है, मतलब ना बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इतना बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं आता, इजी क्वेश्चन होते हैं। ये हम आगे चल के देखते भी रहेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिक लेवल के आते हैं। आप इंशाल्लाह ये लेक्चर्स वगैरह लेंगे ना तो आपको ये अच्छा लगने लग जाएगा, समझ आने लग जाएगा। जो मैथ के हैं ना लेक्चर्स मेरे 4-5 बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है, उसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना बेहतरी इसके अंदर आपकी आ जाएगी। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक रखेंगे, और जो 4 मेन पोर्शन है वो अगले लेक्चर्स में एक एक पोर्शन करके उनको हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स की बिल्कुल बेसिक चीजें, और वो पोर्शंस कुछ नंबर्स से रिलेटेड, और कुछ और जो पेपर में वो बार बार रिपीट करता है, साथ आपको कुछ उसकी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा पास्ट पेपर के क्वेश्चन की, कि ये यहाँ पे इसने पूछा हुआ है, हालांकि बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट है और एक नंबर का एमसीक्यू उसके अंदर से आया हुआ। तो सबसे पहली चीज नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3, 4 ये जो गिनती है ये नेचुरल नंबर कहलाती है। नेचुरल नंबर को एन से जाहिर करते हैं, और नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखेंगे? एन इज इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ब्रैकेट 1। ये नीचे भी आप देख रहे हैं एरो की मदद से नेचुरल नंबर दिखाए गए हैं कि 1 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है, और सो ऑन जहां तक ये जाते हैं ये नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। अब पास्ट पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, ठीक है। एडी के पेपर का क्वेश्चन है ये। अब आपको डेफिनेशन पता होगी नेचुरल नंबर की तो ही आप उस पे क्लिक करेंगे, वरना अगर वो दे देता है 0 है या 1 है या 2 है या -1 है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे इनमें से मतलब क्या लगाना है। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट होल नंबर के ऊपर। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। 0 जो है वो बाद में इजाद हुआ, इसको 0 की इजाद जो है वो अल ख्वारज्मी के जिम्मे जाती है। हमारे मुताबिक अगर आप नेट के ऊपर जाएंगे तो इंडियंस अपना किसी लोगों के नाम बताते हैं कि फलां के जिम्मे जाती है, बुद्धिज्म वाले अपने किसी बंदे का बताते हैं, लेकिन हमारे आमतौर पे अगर क्वेश्चन आता भी है पेपर में तो आता है किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने 0 को ईजाद किया, तो उसका नाम आ जाता है अल ख्वारज्मी। जब ये 0 ईजाद हो गया गिनती के अंदर, तो इसने बड़ा अहम रोल अदा किया डिजिट्स के अंदर। तो इसको मिला के नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो उसको हम होल नंबर का सेट कहते हैं। होल नंबर के सेट को W से डोनेट किया जाता है, W से जाहिर किया जाता है। तो W इज इक्वल टू, देखिए पिछले सेट में 0 नहीं था, इस सेट में हमने 0 लगा दिया, तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, AD के पेपर में आया हुआ है, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? तो उसका आंसर था 0। सबसे छोटा होल नंबर जो है वो 0 है। ये देखिए होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0। नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 का ऐड करते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं। ये देखिए इसमें एंटीगर्स क्या होते हैं, एंटीगर 0, 1, 2 पॉजिटिव वाली तरफ भी और नेगेटिव वाली तरफ भी, अदद को एंटीगर कहते हैं। अदद मनफी भी हो सकते हैं और मुस्बत भी हो सकते हैं।
ए दरमियान में जीरो लिख दें, एक तरफ 1 2 3 4 लिख दें, दूसरी तरफ -1 2 3 4 लिख दें, तो ये इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया कुछ। ये ADIB का पेपर है 2014 का, स्मॉलेस नेचुरल नंबर। तो हमने नेचुरल नंबर की पीछे डेफिनेशन भी देखी, तो स्मॉलेस नेचुरल नंबर जो है वो 1 है। राइट आंसर इज 1। अब नेक्स्ट आ जाए, एक कंसेप्ट है प्राइम नंबर्स का। ये डेफिनेशन वाइज भी इसका वो पूछ लेता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, या प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूछ लेता है। इसके अलावा ये इसकी एप्लीकेशन और चीजों में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो एवरेज पूछना चाह रहा है, वो कहेगा पहले पांच प्राइम नंबर्स की एवरेज मुझे बताएं। अब आपको प्राइम नंबर पहले पता होगा कि कहते किसको है, तो उसकी आप एवरेज निकालेंगे ना। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, एक वैसे डेफिनेशन वाइज तो ये है, लेट बी पी बी ए नेचुरल नंबर, पी इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर नेमली 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो एक पे डिवाइड हो या अपने ऊपर डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। इसको आसान जुबान में हम ये कर लेते हैं, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो पूरा पूरा और किसी भी नंबर पे डिवाइड ना हो, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो हमने यहाँ याद रखना है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब देखिए ये जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने देखी उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, 2 से स्टार्ट होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 देखिए अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2 से कटा, इसके बाद 2 के बाद आता है 3, 3 देखें 2 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं 3 पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड हो रहा है। इसके बाद आ जाए 4 पे, 4 देखिए 2 पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर वो है जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होगा। तो नीचे भी देखिए लिस्ट में 4 नहीं दिया हुआ। इसके बाद आ जाए 5 पे, 5 देखें 2 पे भी नहीं डिवाइड होता, 3 पे भी नहीं डिवाइड होता, 4 पे भी नहीं डिवाइड होता, ये खुद 5 पे ही डिवाइड होता है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 5 के बाद आ जाएं आप 6 पे, 6 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन से बाहर आ गया। आप नीचे देखें, नीचे दिया हुआ जो सेट है उसमें 6 नहीं दिया हुआ। उसके बाद 7 आ जाता है, 7 देखिएगा 2 पे भी नहीं डिवाइड होता, 3 पे भी नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे भी नहीं होता, 6 पे भी नहीं होता, ये डायरेक्टली जाके 7 पे ही डिवाइड होता है, तो 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 8 डिवाइड होता है 2 पे, नहीं प्राइम नंबर। 9 2 पे नहीं डिवाइड होता लेकिन 3 पे डिवाइड हो जाता है, प्राइम नंबर नहीं है। 10 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 5 पे भी डिवाइड हो जाता है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद अगला प्राइम नंबर 11 आ जाता है। तो इस तरह सोन चलते जाते हैं प्राइम नंबर, हर वो नंबर जो अपने ऊपर सिर्फ डिवाइड होगा, किसी और पे डिवाइड नहीं होगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। ये देखिए ADIB का पेपर है, ये वाला पहले हमने देख लिया, क्वेश्चन 67-68 क्वेश्चन था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है जी। अब प्रैक्टिस करते हैं, इस सेट में से ये 3 सेट आपके पास दिए हुए हैं, आपने मुझे बताना है कौन सा सेट प्राइम नंबर का सेट है इनमें से। पहले सेट में है 0 1 2 3 4, दूसरे सेट में है 4 5 6 8, और तीसरे सेट में है 2 3 5 7, तो इनमें से प्राइम नंबर का सेट कौन सा है। सी जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं पहले वाले सेट में जो है 4 है जो कि 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये इसका मतलब 4 की वजह से ये प्राइम नंबर का सेट नहीं हो सकता। दूसरे वाले में 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, ये सारे डिवाइड होते हैं 2 पे, ये भी नहीं हो सकता। तो 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर का सेट हो सकता है, क्योंकि 2 अपने पे डिवाइड होता है, 3 भी अपने पे डिवाइड होता है, 5 भी अपने पे डिवाइड होता है, और 7 भी सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होता है। अब
ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा समझने वाला टेक्निकल सा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? जी बताइएगा, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? और कोई? सी कहा आपने, अबरारुल्ला ने फिर कहा डी. और कोई? और सुन रहे हैं मुझे आप? नहीं, एंट्री लगा के टीवी शीवी ड्रामा शामा क्रिकेट मैच तो नहीं देखा जा रहा? कोई तो इनमें से सिलेक्ट कर लेना, ए बी सी पोर्शन. सुन तो रहे हैं, चले ये भी बहुत है. आंसर नहीं आता. इनमें से ये प्राइम नंबर नहीं है. 31 अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए 31 एक प्राइम नंबर है. आप 2 से शुरू हो, 3, 4, 5, ये किसी पे डिवाइड नहीं होता. 61 भी किसी पे डिवाइड नहीं होता अपने अलावा, ये 61 पे डिवाइड होगा पूरा पूरा. 71 भी किसी पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है. 91 डिवाइड हो जाता है. 91 किस पे डिवाइड होगा? 7 पे. 9 में से 7 गया 2, 1 नीचे उतरा. 7 3s are 21. ये देखें, ये 7 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया. कोई रिमाइंडर नहीं बचा, एंड पे क्रॉस लग गया, 0 बचा. तो 91 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है. इसके बाद आ जाते हैं छोटे छोटे और कंसेप्ट हैं, 4 कंसेप्ट हैं मोड, मीडियन, मीन और रेंज के. मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, रेंज क्या होता है. ये 8th, 9th, 10th इस क्लास के एक कंसेप्ट हैं जो अब डेफिनेटली हमें भूल चुके होते हैं. तो वन बाय वन इनको देखते जाते हैं. मोड कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को. कोई भी आपके सामने सेट दिया गया हो और उसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको मोड कहा जाएगा. द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. Count how many of each value appear. The mode is the value that appears the most. और एक से ज्यादा भी mode हो सकते हैं. जैसे नीचे दिया गया एक set है ये वाला, इसमें देखें 2 जो है, 2 जो digit है वो 2 बार आ रहा है और 5 digit भी 2 बार आ रहा है. तो ये 2 और 5 दोनों mode है. अगर इसमें ये 2 ना होता, मतलब एक हम काट देते हैं बाकी set दिया हुआ होता, तो हमारा mode होता 5, क्योंकि 5 2 बार रिपीट हो रहा है. तो जो क्वांटिटी सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है किसी सेट में वो उसका मोड कहलाती है. और एक सेट में अगर कुछ क्वांटिटीज बराबर की तादाद में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, जैसे नीचे दिए गए सेट में 2 और 5 दो दो बार रिपीट हुआ है, तो ये दोनों मोड कहलाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है मीडियन का. मीडियन का कहते हैं मीडियन वो वैल्यू होती है जो मिड में आए. मीडियन से मुराद होता है मिडल वैल्यू. मीडियन निकालने के लिए जो भी सेट दिया गया होगा उसको पहले आप अरेंज करेंगे एक बार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. मतलब एक सेट दिया गया, फॉर एग्जांपल 5, 3, 7, 1, 9, इसका आपने निकालना है मीडियन, मिडल वैल्यू क्या है. तो आपको इसको पहले तरतीब देनी पड़ेगी.
जैसे वन, फिर बड़ा थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर नाइन, फिर आप देखेंगे इसके दरमियान में मिड में क्या वैल्यू है। देखें दो हिंट से ये निकाल दें, आप दो हिंट से ये निकाल दें, मिडल में जो है फाइव आ रहा है, तो जो मैंने सेट लिखा इसका मीडियन जो है वो फाइव है। मीडियन निकालने के लिए आपको एक दफा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में कर लें आप या डिसेंडिंग में कर लें, एक ही बात है, लेकिन एक तरतीब में लिखना पड़ेगा और फिर देखना होगा दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है। और अगर सेट वैसे ही तरतीब में दिया हुआ है तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप जस्ट उसकी मिडल वैल्यू देखेंगे जैसा कि नीचे दिए गए सेट में दिया गया है। ये एक सेट है 5, 8, 10, 11, 13, वो इसमें पूछ रहा है कि मीडियन क्या है, इस सेट का मीडियन क्या है। तो आप क्या करेंगे, पहले दो डिजिट और ये आखिरी दो डिजिट देखें, दोनों तरफ दो दो हैं, दरमियान में 10 आ रहा है, तो ये इसका मीडियन है जो मिडल में वैल्यू होती है डिजिट की। ठीक है जी, और अगर दो, और अगर ये देखिए, अगर तो सेट होगा ओड नंबर्स का, ताकदाद का, मतलब पांच का, सात का, तो हम ये कर सकते हैं ना, मिडल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर पांच हिंसे हैं, दो एक तरफ, दो एक तरफ, दरमियान वाला हिंसा मीडियन हो गया। सात हिंसे हैं तो तीन एक तरफ, तीन एक तरफ, दरमियान वाला जो है वो हो गया मीडियन हो गया। नौ है तो चार एक तरफ, चार एक तरफ, दरमियान वाला। लेकिन अगर इवन नंबर्स का आ जाता है सेट, इवन नंबर्स का सेट आ जाता है जिसमें आप दरमियान में देखिए, अब तो ये तीन इधर आ रहे हैं और तीन इधर जा रहे हैं, दरमियान में तो कुछ बच नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, आपने दो वैल्यूज दरमियान वाली सिलेक्ट कर लेनी है। अगर ऐसा सेट आपके सामने आ जाता है जो इवन अदाद का हो और मिडल वैल्यू कोई एक हिंसा ना निकल रहा हो, तो आपने मिडल वैल्यू निकालने के लिए दरमियान वाली दो चूज कर लेनी है और उन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड कर देना है। 3 + 4 / 2, 4 और 3 = 7 / 2, आंसर विल बी 3.5। तो इस सेट का जो मीडियन है वो 3.5 होगा। ठीक है जी, ये उस सूरत में होता है जब दो वैल्यू मिडल में आ जाए, उन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड कर दें तो उसका मीडियन निकल आता है। हम कुछ जो है एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग, पहले हम मोड निकाल लेते हैं दोनों सेट्स का, आप मुझे बताएंगे मोड क्या क्या है। ये एक सेट है, इसका मोड बताएंगे, इसका मोड क्या है। मोड वो होता है जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, जी इसका मोड बन जाएगा 3 and 7, राइट, 3 and 7 इसका मोड बन जाएगा। नीचे वाले सेट का बताइएगा, नीचे वाले सेट का मोड बताइएगा। हाँ जी, नीचे वाले सेट का मोड 10 है, सिर्फ 10 ऐसा है जो दो बार रिपीट है, सबसे ज्यादा बार रिपीट 10 की वैल्यू है, तो इसका मोड 10 है। तो ये हमने मोड का कंसेप्ट देख लिया कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, और हमने दो एग्जांपल्स भी इसकी कर ली। अब हम कर लेते हैं मीडियन की एग्जांपल इन्हीं सेट के थ्रू। अब पहले सेट का मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले सेट को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना होगा छोटे से बड़े हिंसे की तरफ। जैसे ये सेट है, आप इसको 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 7 और 8 ऐसे तरतीब में लिखेंगे। अब आप देखेंगे ये टोटल हिंसे कितने हैं, 9 हैं, तो इसका तो सिंगल निकलेगा, 4 एक तरफ कर लें आप, ये वाले 4 एक तरफ कर लें। हाँ जी, इसका मीडियन जो है वो 4 निकलेगा।
नहीं 4.5 नहीं निकलेगा, 4 निकलेगा, चार एक तरफ हो गए, चार एक तरफ हो गए, दरमियान में एक ही वैल्यू बच रही है, 4, 4 ही निकलेगा। अब नेक्स्ट वाला जो है उसका मीडियन निकालें, इसको लिख लें पहले 2, 10, 10 12, 20, 22 छह हैं ये। अब इसमें आप देखिएगा कि कोई मिडल वैल्यू नहीं निकल रही, दो इस तरफ कर लेते हैं हम, दो इस तरफ कर लेते हैं, जो दरमियान वाले दो हैं उन्हें प्लस करके दो पे डिवाइड करते हैं। हाँ जी आपका जवाब ठीक है 11। 10 और 12 को जमा करें 22 और दो पे डिवाइड कर दें, तो इस सेट का जो मीडियन है वो निकलेगा 11। या कि इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इसके बाद आ जाए मीन के ऊपर। वैसे मीन हम यहाँ हल्का सा देखेंगे, मीन का कंसेप्ट अरिथमेटिक मीन, ये पूरा इस एक टॉपिक भी है जिसको एवरेज निकालना कहते हैं। इसके ऊपर पूरा हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें पहले मैं उसकी बेसिक बताऊंगा आपको एवरेज निकालने की, फिर जिस तरह डिफरेंट डिमेंशन में वो एवरेज निकालता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, एवरेज निकालना, जितने नंबर दिए हुए हों उनको ऐड कर लिया जाता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 ये तीन डिजिट दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे सम ऑफ ऑल नंबर, इन तीनों को जमा कर लेंगे 1, 2, 3 ये आ जाता है 3, 2, 5 और 1, 6 और इसको डिवाइड कर देंगे ये टोटल नंबर कितने थे। देखिए ना सम ऑफ सम ओवर एन, सम इनका आया इन तीनों को जमा किया 6 और ये टोटल नंबर कितने हैं 3, 3 पे इसको डिवाइड कर दें, तो 3 को 6 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 2। तो इस तरह से हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए अगर 6 नंबर दिए हुए हैं डिफरेंट और वो कहता है मुझे इनकी एवरेज बताओ, आप 6 के 6 को जमा कर लेंगे और नंबर गिन लेंगे कितने हैं 6, 6 पे उसको डिवाइड कर देंगे, आपकी एवरेज निकल आएगी। इसको बोलते हैं मीन निकालना या एवरेज निकालना। एक और आप देखिए एग्जांपल इसकी कि एक सेट दिया हुआ है 12, 14, 4, 6, 22, 12 ठीक है। अब आपने इसका निकालना है मीन या एवरेज निकालनी है, तो आप क्या करेंगे इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे, पहले तो सम ओवर नंबर्स, इनको आप सम करेंगे इसका तो सम आ जाता है 72, 12 जमा 16 जमा 4 जमा 6 जमा 22 जमा 12 और नंबर टोटल नंबर कितने आप गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स नंबर है, इसको 6 पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो 12 आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा कंसेप्ट है रेंज निकालना। ये बिल्कुल इजी है। रेंज क्या होता है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, एक दिए हुए सेट में जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उन दोनों के डिफरेंस को रेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक सेट है जिसमें 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 100 तक है, तो 100 में से 1 माइनस कर दें इसकी रेंज निकलेगी 99। सिमिलरली
एक ऊपर दिया गया सेट है, ये देखिएगा 14, 19, 20, 24, 25, 28। आप इसमें देख लेंगे पूरे सेट में लोएस्ट वैल्यू कौन सी है और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। हाईएस्ट वैल्यू 28 है, पूरे सेट में सबसे बड़ा नंबर 28 है, सबसे छोटा नंबर 14 है, 14 है। 28 में से 14 को माइनस कर दें तो आपका आंसर 14 आ जाएगा। 28 में से 14 माइनस होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो इस सेट की जो रेंज है वो 14 निकलेगी। अब हम मीन और रेंज निकाल लेते हैं, दो सेट्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम रेंज निकाल लेते हैं, रेंज निकालना आसान है। तो पहले सेट की रेंज आप मुझे निकाल के बताएं। रेंज किसको कहते हैं? लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस सेट में देखें कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, 8। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1। हाँ जी, तो इसकी रेंज निकल आएगी 7। अब दूसरे सेट की निकालें रेंज। राइट, 20, बिल्कुल ठीक। 22 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा 2 है, तो इसकी रेंज निकल आएगी 20। अब इन्हीं दो सेट की हम मीन निकालते हैं, मीन मैंने एवरेज निकालते हैं। पहले सेट की एवरेज निकालें। एवरेज का फार्मूला है सम ओवर नंबर, सारे डिजिट्स को प्लस कर लें आप और टोटल गिन लें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 डिजिट है और इनका सम कर लें, 3 + 2 + 5 + 1 + 7 + 4 + 8 + 7 + 3, और इसको 9 के ऊपर डिवाइड कर दें। फोर इसका आंसर आ रहा है आपका। नहीं, ये कितना बन रहा है, 41। ये डिजिट्स को सम कीजिएगा, 3, 2, 5, 5, 10 और 11 और 7, 18, 22, 22 और 8, 20 और 10, 40। हाँ, ये 40 बन रहा है, ठीक है, 40 इसका सम बन रहा है, 9 पे डिवाइड हुआ तो 4.4 आपका आंसर आ गया। हमने ये सब को जमा किया तो 40 आया, टोटल गिने 9 एंड डिवाइड करें तो आपका 4.4 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले सेट का आप निकालें, नीचे वाले सेट को आप जमा कर लें और डिजिट गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हैं और सम क्या बन रहा है इनका, आंसर इसका आप निकाल रहे हैं 12.66, 12.66। इनका सम क्या है ऊपर वाले सारों को अगर हम करें, 76 डिवाइडेड बाय 6, तो ये इसकी जी निकल आई एवरेज या मीन। तो इस तरह से जैसे आज के लेक्चर में हमने बड़े बेसिक बेसिक आसान आसान से क्वेश्चन किए हैं, इस लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इवन के एडी के पेपर में, ठीक है, और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाते हैं एडी के पेपर में। तो जो मेन चार कंसेप्ट उसने हमें बताए हैं उनको लेके हम नेक्स्ट चार लेक्चर उसके ऊपर रखेंगे, वन बाय वन हम हर कंसेप्ट की जो पास पेपर में एग्जांपल हैं डिफरेंट उनके मुताबिक उनको समझते जाएंगे।
बाकी लेक्चर्स का एक महदूद टाइम होता है, उसमें हम सारे क्वेश्चन तो हल नहीं कर सकते, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपको जो डेली बेस पे पेपर मिले उसमें 20 एमसीक्यूज मैथ के होंगे, तो उन 20 को आप हल करने की कोशिश करें, जो खुद हल हो जाए ठीक है, जो ना हल हो ग्रुप में पूछ लें, ग्रुप में अगर किसी का आंसर नहीं आएगा तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, बल्कि नेक्स्ट डे उसकी सॉल्व फाइल भी आपको देने की कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व फाइल मिल जाए, तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर हो जाएगी। अगले वाले भी आप देखेंगे कि बिल्कुल आसान आसान कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल या हैवी कंसेप्ट, कुछ बहुत ज्यादा ही मुश्किल होते हैं वो फिर सबके लिए मुश्किल हो जाते हैं, दो तीन अगर क्वेश्चन आ गए हैं कि बहुत ही मुश्किल आ गए हैं, क्योंकि हर कोई मैथमेटिक्स या उसका स्टूडेंट तो होता नहीं है, अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है तो फिर उसके लिए एवरीडे साइंस मुश्किल हो जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड होता है सबके लिए, किसी का कोई पोर्शन अच्छा है तो किसी का कोई पोर्शन अच्छा है, ओवरऑल जो सारे पोर्शन में एक्सेल करता है वो कामयाब हो जाता है वन पेपर एमसीक्यू में, वो बहुत इजी है डायरेक्ट और इनवर्स वाला, वो मैं आपको प्रोपोर्शन में समझाऊंगा, बड़े इजी वे में समझाऊंगा, वो फौरी आप उसका निकालोगे आंसर, उसका लेक्चर नंबर 3 या 4 में है, वो मैं आपको करवाऊंगा, उसका एक फार्मूला है किस तरह से करते हैं डायरेक्ट, वैल्यू कैसे लिखते हैं और जरब कैसे देते हैं, वो बड़ा मजे का फार्मूला है, वो करेंगे आप उसको आप फौरी निकाल लिया करेंगे। वन बाय वन डेली बेसिस पे एक टॉपिक को करते जाएंगे ना, आपको इंशाल्लाह वो जो है उसके ऊपर कमांड हासिल हो जाएगी, और जो अगर आपको वैसे भी पेपर के अंदर लगते हैं जो मैं अभी आपको पास पेपर वगैरह देता हूँ तो उसका भी आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हल हुआ है, तो वो ग्रुप के अंदर भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक हो गया जी, चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।